हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से क्रिकेट 22 खेलने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद है कि लास्ट एपिसोड हम लोगों ने खेली थी क्रिकेट 22, तो आज की वीडियो में दोबारा से वहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट बैटिंग आई है, तो उसको स्किप कर। ओके, तो फर्स्ट बॉल है मैच की हमारी इनिंग की, तो ये तो बॉलर लीव ही डिजर्व करता है, तो हम लीव करते हैं इस बॉल को। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट 24 आने वाली है, तो इसलिए मैं तो जो जो मैच मतलब मेरे को सही नहीं लग रहे ना, जिसमें इनिंग जितनी अच्छी नहीं है, वो मैं सोच रहा हूँ मतलब कोई अपलोड ना करूँ। तो यॉर्कर बॉल थी, कैसा प्यारा सिक्स, फ्लैटर सिक्स लगा है। जैसे कि मैं कह रहा था कि मतलब वो मैं वीडियो अपलोड करने का नहीं सोच रहा, क्योंकि गेम बस आने वाली है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी से उस गेम को कम्प्लीट करें, फिर वो गेम भी तो स्टार्ट करनी है, उसकी भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको जो जो मुझे अच्छी लगेंगी मैं वही मतलब वीडियो कम से कम अपलोड करूँगा, क्योंकि नेशनल भी खेलना है, वर्ल्ड कप मतलब गेम आने से पहले ही मैं सोचूँ कंप्लीट कर लूँ कि तो 3 रन आ जाएंगे आराम से, 3 लेते हैं। ओके, तो पैरों के आगे बॉल मिली थोड़े से लेग साइड पे, मतलब बल्ला घुमा के शॉट खेला, तो 4 रन मिलेंगे। थोड़ा से बस मूव हो के हमने लेग साइड की तरफ बैट को मूव किया। और अच्छा, मैं जो सेम शॉट होंगे उनको भी कट करूँ, क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट आए थे कि तो कवर से था बॉल थी, तो क्या पता शॉट लगे कवर्स पे। बिल्कुल अच्छी कनेक्ट हुई थी बॉल, तो शॉर्ट बॉल थी लीव की है, तो वाइड बॉल ही मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, बाकी अंपायर को देखते हैं, गेम का तो अलग ही रोल होता है। तो कवर पे फील्डिंग खाली है, तो वहाँ उठा दिया है, तो अर्ली कनेक्ट हुआ है। मैंने सोचा फील्डिंग खाली हो, थोड़ा ही दूर था फील्डर से, तो मैंने सोचा ऑफ पे फील्डिंग खाली है, तो कवर्स पे मैंने उठा दिया, तो लॉफ्टेड, लेकिन कनेक्ट सही नहीं हुआ, थोड़ा अर्ली था, फिर भी मतलब हम बच गए हैं, मुझे लगा कि छुट्टी हो गई अपनी। ओके, तो कवर से फील्डिंग खाली है, स्पिनर को इन लोगों ने लगा दिया, तो मुझे लग रहा है कि इनको पता चल गया कि मेरी स्पिनर ही कमज़ोरी है, तो ऑफ साइड पर बॉल की थी, तो गुड टाइमिंग हुई है कवर्स पे खेला है, कवर पे फील्डिंग भी खाली थी, मैंने ट्राई इधर ही किया। लेग साइड पे मेरे को फिर मज़ा आता है स्पिनर को खेलने का, अगर लेग साइड पर फील्डिंग खाली हो तो फिर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा खेलना आता है, नहीं तो परेशानी होती है मुझे ऑफ पे खेलने की। ओके, तो पीछे की तरफ थोड़ी फील्डिंग खाली है, तो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं। कोई थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल मिल जाएगा आराम से, कोई तो आउट भी उसका सामने वाले ही होता। ओके, तो कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स पे फील्डिंग खाली, तो एक्स्ट्रा कवर्स पे मैंने खेलने का सोचा, तो आइडियल कनेक्ट हुआ, कैसा तेज शॉट गया है, तो अच्छा कनेक्ट हुआ था, तो 50 पार्टनरशिप भी इनकी हो गई है। तो यार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर, कोई तरीका है भीख मांगने का। ओके, तो स्ट्रेट पे बॉल आई थी, तो स्ट्रेट ड्राइव खेल दी है, तीनों चीज़ें आइडियल हुई हैं, तो बुलेट शॉट गया है, तो आई थिंक हमारी 50 भी हो गई है, 1, 6 और 10, 4 मारे हैं, 14 बॉल पे हमारी 50 हुई है, सही उर्दू इंग्लिश मिक्स करी जा रहा हूँ मैं। ओके, तो दोबारा स्पिनर आ गया, ऑफ साइड पर फील्डर थोड़ा आ गया, तो लॉफ्ट कर देते हैं, 50 भी हो गई है, अब तो लॉफ्ट करना बनता है, 4 रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल में। ओके, तो यार ये किधर स्पाइडरमैन उठ के आ गया, यार कहाँ से एकदम आ गया था फील्डर। ओके, तो फील्डिंग तो मेरे पसंद की खड़ी कर दी, अब लेग साइड पे बस बॉल दे देना, तो मेरी तो मौज लग दी। ओके, लेफ्ट साइड पे दिए, तो सही लॉफ्ट कर दिया। ओके, टाइमिंग हुई है, लेकिन 4 रन तो इस बार मिल ही जाएंगे। तो आप यकीन करो ना करो, तो मुझे ये फील्डिंग और ये बॉल अगर यहाँ पर मिले तो मुझे तब भी स्पिनर को सही खेलना आता है, वैसे तो मैं कभी भी लुढ़क सकता। तो पिछला ओवर मैंने पूरा लेग साइड पर खेला है, तो मुझे लेग साइड पर बॉल देते थे, तो इसलिए सेम शॉट थे, मैंने आपको दिखाई नहीं, तो दोबारा से वहाँ ही बॉल दे रहे हैं, तो इस बार तो 6 मिलेगा, तो कैसा प्यारा कनेक्ट हुआ था, आइडियल टाइमिंग थी, अच्छा कनेक्ट हुआ था, फ्लिक शॉट था, लॉफ्टेड फ्लिक, 6 रन मिलेंगे। तो लेग साइड पे फील्डिंग खा ली, तो लेग साइड पे बॉल दे देना, तो ऑफ साइड पे दी, लास्ट टाइम में मैंने पीछे कट को किया है, तो लेट शॉट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में 4 रन मिल जाएंगे, लेट कट खेला है, तो एंड वक्त पे मैंने पीछे कट किया था, मुझे लगा लेग साइड पे देगा बॉल। अच्छा, तो अभी ऑफ साइड पे 4 रन मिले, तो अभी ऑफ साइड पे मुश्किल है, मुझे लग रहा है बॉल देगा, अगर देगा भी तो वही कट शॉट खेल दूंगा, लेग साइड पे हो तो लेट मिस हो गया यार, प्लम्ब है ये तो आउट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा खेले, तो चलो देख लेते एक बार दोबारा रिप्ले इसका, पक्का प्लम्ब है यार।
अच्छा, इसमें रिव्यू लेने का भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि क्लब मैच है। इसमें हम लोग वो एक रिव्यू होता है वो देख सकते हैं, मैच रिव्यू बिकाई से देखते हैं। मेरे दो चक्कर 15 चौके मारे 81 तो अभी इससे देखते हैं कि आउट है। तो पिचिंग तो इन लाइन थी, हिटिंग आउट ही था, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा खेल लिया हमारा प्लेयर। फिर सेकेंड इनिंग की बैटिंग आ गई है तो अभी हम लोग यहाँ पर अग्रेसिव खेलने का थोड़ा सोचेंगे। दूसरे बैट्समैन की बैटिंग थी, स्किप किया है। इसमें हम लोग ये सेकेंड इनिंग में थोड़ा अग्रेसिव खेलने का सोचेंगे। फर्स्ट इनिंग में हम आराम से खेलेंगे, तो सेकेंड इनिंग में हम लोग मतलब जो भी मैच खेलेंगे तो उसमें तेजी खेलने का थोड़ा सोचेंगे। Great shot. First but it's not going to beat the fielder. दो रन मिल जाएंगे आई थिंक। And with that, तो कवर पे फील्डिंग खाली थी, बॉल भी आगे ही मिली है। कैसा बुलेट शॉट खेला है, आइडियल टाइमिंग थी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ग्रेसी भी खेलूंगा मैं इस इनिंग में। कैसा प्यारा बुलेट शॉट गया है, कनेक्ट भी अच्छा हुआ था। ओके, तो अभी इस ओवर में एक सिक्स भी ज़रा मार के देख लें क्योंकि मैंने अग्रेसिव खेलने का सोचा है। अग्रेसिव का मतलब तो सिक्स ही होता है। ट्राई करते हैं कोई, तो कोई थोड़ा सी बार गिरा, सिक्स ही मिलेगा। कोई इस ओवर में 13 रन आ गया, बॉलर की तो हालत टाइट हो गई है। अच्छा कनेक्ट हुआ था, गुड लेंथ पे बॉल थी। ओके, तो वही फील्डिंग रखी है, फील्डिंग चेंज नहीं की, तो फिर से सिक्स का ट्राई करते हैं। तो इस बार तो बहुत लंबा सिक्स गया है, आइडियल टाइमिंग हुई थी। बस तो जाके ग्राउंड में बाहर गिरा, ग्राउंड के भी बाहर एक ग्राउंड में गिरा, तो प्यारा शॉट लगा था। तो सामने मिली थी तो स्ट्रेट पे उठा दिया, गुड टाइमिंग थी, लेकिन फिर भी देखे चार गया। तो थोड़ी डिफिकल्टी मैंने 8 रखी हुई है, तो हमारा प्लेयर जैसे वैसे थोड़ा प्लेयर अच्छा होता जाएगा तो मैं हार्डेस्ट कर दूंगा डिफिकल्टी को, फिलहाल अभी हार्ड है। कभी से फील्डिंग खाली थी तो इधर लॉफ्ट कर दिया है। ओके कनेक्ट हुआ है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी 4 रन मिल जाएंगे। तो ऑफ भी बॉल मिली तो इधर ही लॉफ्टेड कर दिया, गुड टाइमिंग हुई है, शॉट सिलेक्शन आइडियल था, तो 6 रन मिलेंगे। प्यारा कनेक्ट हुआ था, मिडल हुई थी बॉल, बिल्कुल ऑफ पिन ने बॉल दी, तो मैं इधर ही डिसाइड किया कि 6 मारने का। तो लेग साइड पे पूरी फील्डिंग खाली है, लेकिन मुझे पता है लेग साइड पे बॉल नहीं देगा, तो शॉर्ट बॉल करवाई थी ऑफ साइड पे, कवर्स पे खेल दिया। तो इसके ये चौके के साथ हमारी 50 हो गई है। फ्रंट फुट पे 4 रन खेले थे, तो 3 छक्के और 7 चौके मारे हैं, 14 बॉलों पे 50 रन बनाए हैं, अच्छी इनिंग खेली है। क्योंकि तो फील्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया, तो ऑफ साइड पे फिर से फील्डिंग खाली है, तो बॉल भी ऑफ साइड पे देते हैं। मुझे लग रहा है कि बंदा एक बार सेट हो जाए ना बैट्समैन, तो इधर ही बार बार बॉल देते हैं जिधर इनको छक्के पड़े। फिर से ऑफ साइड पे बॉल दी थी तो 6 रन मिल गए। तो ये रीप्ले मेरा फेवरेट है, ऐसा प्यारा रीप्ले दिखाते हैं। तो बिल्कुल पैरों के आगे बॉल दी थी तो लॉफ्ट कर दिया, फील्डर थोड़ा पहले ही रुक गया। अच्छा कैश के लिए उसने ट्राई भी किया लेकिन थोड़ा पहले रुक गया था, तो अर्ली कनेक्ट हुआ था, 4 रन मिलेंगे। तो लास्ट 4 बॉल पे उसने वाई बोल दिया और वाई मैंने चौके मारे, देखते हैं कि लास्ट बॉल कहाँ देते हैं। लास्ट बॉल भी बिल्कुल पैरों के आगे दी है, मतलब फुल बॉल दी है, तो उसके भी 4 रन मिलेंगे। तो 105 चौके मारे हैं मैंने, तो ये टेस्ट ये मजाक हो गया, बॉलर भी हिलता होगा कि भाई किसके सामने बॉलिंग करवा ली। तो इस बार कवर्स पे अच्छी फील्डिंग खड़ी की थी तो कवर्स पे खेल लेते हैं। बॉल इसने कवर्स पे दी, अर्ली टाइमिंग हुई है तो 2 रन आराम से मिल जाएंगे, तीसरा भी ले लेते हैं रन क्योंकि पहुंचने में टाइम लग रहा है बॉलर को। तो 3 रन आराम से मिल गए। तो फिर से वही फील्डिंग रखी है तो वहीं खेलने की कोशिश करते हैं, तो वहीं खेल है तो कैंसिल किया हो के, तो आपको लग रहा होगा गलती से आउट कराया, मैंने जानबूझ के करवाया। 40 बॉलों पे 3 रन इसने बनाए थे तो आउट ही करवाना था। दो रन मेरे 50 में रह गए, तो कवर से फील्डिंग भी खाली है तो अच्छा कनेक्ट हुआ है, गुड टाइमिंग हुई थी, तो 4 रन मिलेंगे और 50 भी हमारी इसी चौके के साथ हो गई है।
छः छक्के और 16 चौके मारे, 102 रन 33 बॉलों पे। ज़्यादा ही स्लो खेल लिया हमने कुछ। ओके तो फिर से स्पिनर को लगा दिया, तो ऑफ साइड पे तो बहुत ख़तरनाक फील्डिंग है, और ऑफ साइड पे बॉल दिए जल्दबाजी में, लोफ्टेड ट्राई कर लिए तो आइडियल ही हुआ है। शॉट सिलेक्शन भी आइडियल हुआ, टाइमिंग भी आइडियल हुई, तो सिक्स मिलेगा। कैसा प्यारा कनेक्ट हुआ था और बुलेट की तरह गया शॉट। स्ट्रेट पे फील्डिंग अभी खा लिए, तो देखते हैं कि स्ट्रेट पे अगर बॉल देंगे तो स्ट्रेट पे खेलूँगा। लेफ्ट साइड पे हमने खेल दिया, लेट थोड़ा शॉट खेला था तो एक रन मिलेगा। एकदम ही मैंने ट्राई किया लेफ्ट साइड पे खेलने का। बिल्कुल बैट के आगे बॉल दी थी तो लॉफ्टेड कर दिए। सिक्स तो नहीं लेकिन 4 रन मिलेंगे, कोई बात नहीं फिर भी सही है। तो 121 रन हो गए हमारे, और आई थिंक हमारे ये हाईएस्ट स्कोर है हमारी करियर के टेस्ट में। तो फील्डिंग तो अच्छी रखी हुई है, तो स्ट्रेट भी खेलने की कोशिश करेंगे। ओके तो अर्ली कनेक्ट हुआ है, कैच ना हो तो फिर भी यार अच्छी इनिंग खेल ली है, ना शुक्रे नहीं होने चाहिए। फिर भी 121 रन बनाए हमने, थोड़ा अर्ली टाइमिंग हो गया और बैट थोड़ा स्लिप हो गया था बॉल से। चलो कोई बात नहीं, 121 रन बनाए हैं और 7 छक्के और 16 चौके मारे 40 बॉलों पे। ओके तो 166 रन से हम जीत तो गए हैं मैच, अभी हमें देखते हैं मैन ऑफ द मैच मिलता है। ओके तो मैन ऑफ द मैच हमें ही मिल रहा है, तो पहला ही मैन ऑफ द मैच है हमारा करियर का, टेस्ट करियर का। तो मैन ऑफ द मैच हमें मिला, और हमने पहली सेकंड इनिंग में 121 रन मारे थे इसलिए मेरे ख्याल में हमें मिला, और फर्स्ट इनिंग में भी हमने अच्छे रन बनाए थे इसलिए हमें मतलब मैन ऑफ द मैच मिला। तो बैटिंग में देखते हैं, बैटिंग में भी कुछ पॉइंट्स बढ़े हैं हमारे। ओके बॉलिंग में भी, बॉलिंग में तो हम बढ़ते ही नहीं लेकिन फील्डिंग में बढ़ जाते हैं भाई, ये बात है। ओके तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे टॉप स्कोरर भी हम हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए भी हमारा नाम है, और टॉप सिक्स भी हमने ही मारे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके तक पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, गुड बाय। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, गुड बाय।